हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस कुकिंग विद नसरीन। जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है तो मेथी की पराठे बहुत फेमस होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज हम यूनिक तरीके से मेथी के 3 शेप्स के पराठे बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप आटा, 1 कप बेसन, 250 ग्राम मेथी जो मैंने धो के बारीक काट ली थी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आम के अचार का मसाला, इससे मेथी का पराठा और भी टेस्टी हो जाता है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि अभी आगे भी और तेल यूज़ होगा तो कम तेल डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इसका फाइन डो बना लेंगे। इसे अच्छी तरह से नीट करना है, तभी मेथी का पराठा क्रिस्पी बनेगा। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लेकर इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे। डो बन के रेडी है। अब इतना थोड़ा सा तेल इस पर लगा देंगे ताकि ये सूखे ना। आप छोटी सी लोई लेंगे, इसे राउंड रोल करेंगे बिल्कुल। अब थोड़ा सा परतन लगाएंगे, इसे इस तरह से प्रेस करके बिल्कुल राउंड शेप देंगे। अब हम इसे बिल्कुल राउंड बेलेंगे। अगर थोड़ा सा परतन की ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से इस तरह रोल करते हुए बेलेंगे। इस तरह से राउंड बेल लिया है, ये राउंड वाला शेप है। अब हम ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। सबसे पहले राउंड बेलेंगे, इस तरह से राउंड बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे, फिर से ऑयल लगाएंगे। अब इसे फिर से हाफ फोल्ड करेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप बन गया। अब इसे इसी तरह से बेल देना है। सबसे पहले हल्का प्रेस करेंगे, उसके बाद बेलेंगे। ये बन गया ट्रायंगुलर शेप।
अब स्क्वायर शेप बनाएंगे, फिर से राउंड रोल करेंगे। अब इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे इस तरह से बीच में फोल्ड करेंगे, फिर से ऑयल इस पर लगाएंगे, फिर इस साइड को इस पर फोल्ड करेंगे, फिर बीच में ऑयल लगाएंगे। फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये बन गया स्क्वायर शेप। हल्का सा प्रेस करेंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा बर्तन लगा के बेल लेंगे। ये बन गया स्क्वायर शेप। इसी तरह से सारे पराठे रेडी कर लेंगे। अब हम तवे को मीडियम फ्लेम पर हीट करेंगे। तवा हीट हो चुका है। हम सबसे पहले राउंड शेप वाला पराठा डालेंगे। इसे नीचे से हमें हाफ कुक करना है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। इस साइड पर हम ऑयल लगाएंगे, अच्छी तरह से ऑयल को फैला लेंगे। अब इसे टर्न कर लेते हैं। दूसरे साइड्स पे भी ऑयल लगा लेते हैं। फिर से टर्न करते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है, अंदर से कुक हो चुका है। इसे इस तरह से हल्का प्रेस करेंगे। पराठा रेडी है। अब हम इसे उतार लेते हैं। ट्रायंगुलर शेप का पराठा भी इसी तरह से करेंगे। पहले हाफ कुक करेंगे नीचे से, उसके बाद इसे टर्न करेंगे। इस साइड पे हम लगाएंगे ऑयल। फिर से इसे टर्न करेंगे, इस साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। फिर से टर्न कर लेते हैं। देखिए, ये वाला फुला फुला थोड़ा बना है, क्योंकि हमने इसे कई साइज में फोल्ड किया था। पराठा रेडी है, इसे भी उतार लेते हैं। तो लीजिए, हमारे तीनों शेप्स के मेथी पक के पराठे रेडी है। ये रहा ट्रायंगुलर शेप, ये रहा स्क्वायर शेप, और ये रहा राउंड वाला शेप। तीनों पराठे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप चाहे तो इसे केचप के साथ खा सकते हैं, आम के अचार के साथ खा सकते हैं, या मिर्ची के कुचले के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मिर्ची के कुचले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दिया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।